हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब बच्चे ये क्या होता है डिजोल्यूशन में, क्या होगा जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो बंद हो जाएगी। अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो हम क्या करेंगे, असेट्स आर सोल्ड ऑफ एंड लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ। हम असेट्स को सेल करेंगे और लाइबिलिटीज को पे करेंगे। तो क्या पढ़ना है हमें, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को हमें अब बंद करना है। बच्चे जो लास्ट चैप्टर थे हमारे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, इन सब में क्या हुआ था, जो पार्टनरशिप है वो बंद हुई थी मगर फर्म्स कंटिन्यू, हमारी फर्म बंद नहीं हुई थी। इन सब में क्या हुआ था, जो ओल्ड एग्रीमेंट था कम्स टू द एंड एंड न्यू एग्रीमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। बट यहां पर क्या होगा, जो हमारी फॉर्म है पूरी फॉर्म ही बंद हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, असेट्स को सेल करेंगे और लाइबिलिटीज को पे करेंगे। बच्चे अगर हमारी फॉर्म बंद हो जाएगी तो हम कितने अकाउंट बनाएंगे, हम मेनली फोर टाइप्स अकाउंट बनाएंगे। कौन कौन से, रिलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। अब बच्चे पार्टनर लोन अकाउंट है, ये भी दो तरीके हो सकता है हमारा, पार्टनर लोन टू फॉर्म एंड फॉर्म लोन टू पार्टनर, दोनों की अलग ट्रीटमेंट है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो इन सब में से जो हमारा मेन अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है हमारा, वो है रिलाइजेशन अकाउंट। तो इस चैप्टर में मेनली हमें सीखना है रिलाइजेशन अकाउंट। अब तक क्या बनाया हमने, अब तक हमने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट, हमने असेट्स को रीअसेस किया और लाइबिलिटीज को, हमने असेट्स को रिवैल्यू किया और लाइबिलिटी को रीअसेस किया। बट अब हमें क्या करना है, अब हमें असेट्स को सेल करना है और लाइबिलिटीज को पे करना है। बच्चे क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट गिवन होगी और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी। हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे लाइसेंस अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बच्चे हम वन बाय वन क्या करेंगे, हम सीखेंगे रिलाइजेशन अकाउंट बनाना और अकाउंट के साथ साथ हम जनरल एंट्री भी सीखेंगे। यानी कि अभी हम क्या करने वाले हैं, जनरल एंट्रीज और अकाउंट्स दोनों साथ साथ में सीखने वाले हैं। तो वन बाय वन आपको बताऊंगा मैं। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, हमें गिवन होगा बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट है हमें गिवन होगी, तो बच्चे बैलेंस शीट में हमें लाइबिलिटीज गिवन होगी और बैलेंस शीट में हमें असेट्स गिवन होगी। हम क्या बनाएंगे बच्चों, हम बनाएंगे रिलाइजेशन अकाउंट, बच्चे सबसे पहले हमें बैलेंस शीट में असेट गिवन होगी। हम क्या करेंगे, इन असेट्स को रिलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे। बच्चे जो असेट्स गिवन है, हमें जो असेट्स गिवन है इनमें से जो हमारे फिक्टिशियस असेट हैं, जो हमारी गुडविल, फिक्टिशियस असेट को ट्रांसफर नहीं करेंगे हम। इसके अलावा कैश बैंक का बैलेंस है या फिर पार्टनर कैपिटल या पार्टनर लोन अकाउंट का बैलेंस है तो उसको भी ट्रांसफर नहीं करना है। इन सब के अलावा जो भी हमारी असेट्स है इंक्लूडिंग गुडविल, इन सबको क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में। असेट्स को ट्रांसफर किया डेबिट साइड में, हमने ऐसा क्यों किया, हमने असेट्स के अकाउंट क्लोज करने के लिए, हमने असेट्स के अकाउंट क्लोज करने के लिए असेट्स को ट्रांसफर किया रिलाइजेशन अकाउंट में। बच्चे रिलाइजेशन अकाउंट जो है, रिलाइजेशन अकाउंट किसी भी फर्म की लाइफ में सिर्फ एक बार बनता है और कब बनता है, जब ये फर्म बंद होती है तब बनता है सिर्फ, ठीक है। तो बच्चे असेट्स को हमने ट्रांसफर किया रिलाइजेशन अकाउंट के अंदर, तो जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, हमारी एंट्री होगी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। बच्चे असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, हमने क्या किया जनरल एंट्री में, इनको क्रेडिट किया, तो असेट को क्रेडिट करने से क्या हुआ, इनके अकाउंट्स क्लोज हो गए, ठीक है। तो अगर हम असेट्स को ट्रांसफर करेंगे रिलाइजेशन अकाउंट में तो क्या एंट्री होगी, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, असल नेम लिख देंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर टू मशीनरी, इनको ट्रांसफर किया डेबिट साइड में। बच्चे असेट्स में से क्या क्या ट्रांसफर नहीं करना, जो भी हमारी एडमिशन
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अगर गिवन है तो वो ट्रांसफर नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो वो ट्रांसफर नहीं होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पार्टनर करंट अकाउंट अगर गिवन है तो वो भी ट्रांसफर नहीं होंगे। अब ये कहां जाएंगे बच्चे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है तो चाहे कोई भी चैप्टर हो तो उस क्या करेंगे इसको, तो हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है असेट साइड तो ये क्या है हमारा लॉस है, अब इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इनकी एंट्री क्या होगी सेम होगी हर सेक्टर के अंदर, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो। क्या किया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर गिवन है तो उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या एंट्री हुई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है बच्चे, अब जो करंट अकाउंट है कैपिटल अकाउंट है इनका बैलेंस कहां पर आएगा, इनका बैलेंस आएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, इनको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसके बाद जितनी हमारी असेट्स हैं उनको यहां पर ट्रांसफर करेंगे बच्चे, गुडविल को भी ट्रांसफर करेंगे, गुडविल को भी ट्रांसफर करेंगे। अगर हमारी फर्म बंद हो रही है तो जो फर्म की गुडविल है उसको हम सेल कर सकते हैं, वो सेल हो सकती है, तो इस चैप्टर में क्या होगा गुडविल को हम ट्रांसफर करेंगे। यहां पर लास्ट चैप्टर में क्या किया था हमने, इसको रिटर्न ऑफ किया था गुडविल को ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर क्या होगा गुडविल को हम सेल कर सकते हैं तो गुडविल को हम ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में, क्या एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये क्या किया बच्चे, हमने असेट्स को ट्रांसफर किया बच्चे। इसके अलावा डेटर्स हमें गिवन होंगे यहां पर, तो डेटर में दो वैल्यू गिवन होगी, डेटर की ग्रोस वैल्यू गिवन होगी और डेटर का प्रोविजन गिवन होगा, तो डेटर की फुल वैल्यू में यहां से यहां पर ट्रांसफर करनी है। ठीक है, और जो हमारा प्रोविजन है इसको हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको ट्रांसफर करने और भूल जाने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे। प्रोविजन को हम क्या करेंगे, डेटर मान लो 50,000 रुपीज के हैं तो डेटर 50,000 हमने यहां पर ट्रांसफर किया डेटर, प्रोविजन है 5,000 तो प्रोविजन को क्या करेंगे हम यहां ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, याद रखना डेटर में ग्रोस अमाउंट ट्रांसफर करना है और जो भी हमें बोला गया होगा वो उस ग्रोस अमाउंट पर ही करना होगा हमें। ठीक है, तो ये हमने क्या किया असेट्स के अकाउंट क्लोज किए। अब लाइबिलिटीज में आते हैं, अच्छा जो लाइबिलिटीज के बैलेंस है वो ट्रांसफर करेंगे यहां पर, लाइबिलिटीज में से क्या क्या ट्रांसफर नहीं करना है बच्चे, पार्टनर की कैपिटल बैलेंस, पार्टनर का लोन, पार्टनर करंट अकाउंट्स और रिजर्व्स या प्रॉफिट अगर गिवन है तो इनको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। जो रिजर्व्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं उनको क्या करेंगे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है या फिर जनरल रिजर्व गिवन है तो क्या करेंगे इसके अंदर हम, इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, क्या किया हमने रिजर्व्स को या प्रॉफिट को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट किया। जितनी लाइबिलिटीज हमारी हैं क्रेडिटर्स बिल्स पेबल पार्टनर लोन, जितनी हमारी लाइबिलिटी है क्रेडिटर बिल्स पेबल आउटसाइडर लोन थर्ड पार्टी लोन बैंक लोन उनको हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं करना है, पार्टनर का लोन हम डायरेक्टली पे करेंगे यहां पर ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, तो क्या किया हमने लाइबिलिटीज को यहां पर ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं हमारे, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, आपने लास्ट चैप्टर में सेम एंट्री की थी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। अगर पार्टनर का लोन है तो उसकी पेमेंट क्या करेंगे हम, उसकी पेमेंट होगी पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, पार्टनर लोन को यहां पर ट्रांसफर नहीं करेंगे। बच्चे ध्यान रखना उस पर टाइम कि जब लोन हमें गिवन है तो पार्टनर का लोन है या पार्टनर के स्पाउस का लोन है, पार्टनर का लोन है या पार्टनर के फैमिली मेंबर का लोन है। अगर पार्टनर के स्पाउस का लोन है या किसी फैमिली मेंबर का लोन है तो बच्चे थर्ड पार्टी लोन है, इनको हम ट्रांसफर भी करेंगे पे भी करेंगे। बच्चे क्वेश्चन में क्या होता है, मान लो ए और बी पार्टनर है
लोन गिवन है मिसेज ए मिसेज बी का, तो ये पार्टनर्स के लोन नहीं है, उनके स्पाउस के लोन है, तो उनको यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। फिर उसमें क्या लिखा होता है, मिसेज ए एंड मिसेज बी आर पार्टनर, और लोन होता है एज लोन बीज लोन, तो यहाँ पर हम एज लोन बी लोन ट्रांसफर करेंगे। तो ध्यान से पढ़ना है कि पार्टनर कौन है, पार्टनर के लोन ट्रांसफर नहीं होंगे, पार्टनर के लोन पे करने की एंट्री क्या होगी, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर स्पाउस का लोन है या फैमिली मेंबर का लोन है तो उनको हम यहां पर ट्रांसफर भी करेंगे और पेमेंट भी करेंगे। ठीक है बच्चे, अगर हमें लायबिलिटी में गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो उसको यहां पर ट्रांसफर करो, भूल जाओ। ठीक है, अगर हमें गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आईएफआर है तो उसको हमें यहां पर ट्रांसफर करना भूल जाना है। बच्चे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व का अमाउंट है और उसके बाद क्लेम भी गिवन है, तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट है और क्लेम का अमाउंट कम है, तो जितना क्लेम का अमाउंट है उतना रिजर्व हम यहां पर ट्रांसफर करेंगे और क्लेम जितना उतना पे कर देंगे। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितने रुपए का है उससे ज्यादा रुपए क्लेम आ गया, तो जितने का रिजर्व है उतना यहां पर ट्रांसफर करेंगे और पूरा अमाउंट हम यहां पर पेमेंट कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हमने क्या किया, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया। अगर हमने लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया तो जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री होगी सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो लाइबिलिटी को क्या किया हमने, डेबिट किया, और रिलाइजेशन अकाउंट को क्या किया हमने, क्रेडिट किया। ऐसा क्यों किया हमने, इनका अकाउंट क्लोज करने के लिए किया। ठीक है बच्चे, हमने क्या किया, असेट लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया। असेट लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने से इनके जो बैलेंसेस थे, इनके जो अकाउंट थे वो क्लोज हो गए। अब हम क्या करेंगे, असेट्स को सेल करेंगे और लाइबिलिटी को पे करेंगे। बच्चे असेट लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया, इनका अकाउंट क्लोज हो गया, अब हम अगर हम असेट सेल करेंगे तो उनका नेम यूज नहीं करेंगे, अगर लाइबिलिटी पे करेंगे तो उनका नेम यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने उनका अकाउंट क्लोज कर दिया है, सो कन्वर्ट कर दिया है रिलेशन अकाउंट के अंदर। हमने असेट सेल की तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। लाइबिलिटी पे की तो क्या एंट्री होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बच्चे जो लाइबिलिटी पे की, लाइबिलिटी अगर रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, सेम एंट्री होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। असेट रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, सेम एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, चाहे असेट रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड हो। मतलब क्या है इसका, अगर असेट यहां पर लिखी हुई है बैलेंस शीट में, इसका मतलब क्या है, वो असेट हमारी रिकॉर्डेड है। अगर असेट यहां पर नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, हमारी असेट अनरिकॉर्डेड है। ठीक है बच्चे, हमने असेट को यहां पर ट्रांसफर किया था, अब क्या करेंगे, इसको हम यहां पर सेल कर देंगे, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, यहां पर लिख देंगे जो भी असेट हमने सेल की। ठीक है बच्चे, या तो असेट को सेल करेंगे या फिर पार्टनर असेट को ले लेंगे। अगर पार्टनर्स ने असेट ली तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। ठीक है बच्चे, अब हमने क्या किया था, अगर कोई असेट है अनरिकॉर्डेड तो उसकी एंट्री भी सेम होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, यहां पर लिख देंगे बाय कैश बैंक अकाउंट। लाइबिलिटी हमने यहां पर ट्रांसफर की थी, अब लाइबिलिटीज को हम पेमेंट कर देंगे, क्या एंट्री होगी लाइबिलिटी पे करने की। बच्चे हम लाइबिलिटी पे कर रहे हैं तो लाइबिलिटी पे करने की एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, यहां टू कैश या बैंक लिख देंगे। अगर किसी पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं लाइबिलिटी पे कर दूंगा, तो हम लिख देंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लाइबिलिटी पे करने की एंट्री क्या होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, पार्टनर ने बोला मैं लाइबिलिटी पे कर दूंगा, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बच्चे इसके बाद अब क्या होगा,
अगर हमने कोई एक्सपेंस पे किया, अगर रिलाइजेशन एक्सपेंस पे किया तो इसकी एंट्री क्या होगी? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है और बोला है एक्सपेंस पे किया, तो एंट्री क्या होगी? रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। इसमें क्या हुआ? पेड बाय फॉर्म, बियर बाय फॉर्म। फॉर्म ने पे किया, फॉर्म इसको बियर करेगी। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, गिवन नहीं है तब। अगर हमने किसी पार्टनर को रेमुनरेशन दी तो क्या एंट्री होगी? रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। अब उसको यहां पर डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद क्या होगा? एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं हम। एक्सपेंसिस में क्या होगा? अगर लिखा है एक्सपेंसिस पेड बाय पार्टनर, अगर फॉर्म ने पे किया या कुछ मेंशन नहीं है, तो क्या एंट्री होगी? पार्टनर, क्या एंट्री होगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो क्या एंट्री होगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बट अगर बोलता है कि पार्टनर ने पे किया तो क्या एंट्री होगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर बोलता है कि पार्टनर ने पे किया और पार्टनर को ही पे करना था, तो उस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी मुझे, क्योंकि पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पे करेगा अपने पर्सनल अकाउंट से। अगर बोलता है पार्टनर को पे करना था, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट पार्टनर ने पे किया फॉर्म के अकाउंट से, किसको पे करना था? पार्टनर को पे करना था। किसने पे किया? पार्टनर ने पे किया फॉर्म वाले अकाउंट में से। तो उसमें दो एंट्री होगी। पहली एंट्री क्या होगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। पार्टनर को हम डेबिट करेंगे और कैश या बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा, मतलब पार्टनर से पैसा लेंगे इसका, क्योंकि फॉर्म को पे करना था, पार्टनर ने पे कर दिया, ठीक है बच्चे। तो ये थी हमारी एक्सपेंसेस की एंट्री। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे। अगर यहां पर डिफरेंस आया, इट मींस जो क्रेडिट साइड है वो ज्यादा है, डेबिट साइड है वो कम है, इट मींस क्या होगा बच्चे? ये हमें लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे? लॉस को, सॉरी, अगर बच्चे क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, इट मींस प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर में, तो क्या एंट्री होगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो लॉस हो गया। लॉस को क्या करेंगे हम? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या एंट्री होगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। तो बच्चे इस तरह से क्या करेंगे हम? बनाएंगे रिलेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।